आजकल नगमे नहीं गाता मैं मोहब्बत के, क्योंकि हर घर में गायक हो गए हैं। और अब मैं उस पड़ोसन को मैसेज भी नहीं करता गोलू भैया। कहती है अशोक जी अब मेरे बच्चे पढ़ने लायक हो गए हैं। आई लव यू मेरी पड़ोसन, आई लव यू पूजा, आई मिस यू बिट्टू। प्रेजेंटिंग बाय मीना गीत टाइगर, बूंदी सिंगर, पावर दबंग स्टार मीना के राम किला। आखिरकार हमने गणेश दर्शन कर लिया है और अब हम आपको इस किले के नाम का रहस्य बताएंगे। दोस्तों इस किले का नाम रणथंबोर, रणतभवर और रणस्तंभोर भी इसको कहा जाता है। दोस्तों आपको सामने पहाड़ी दिखाई दे रही होगी जिस पर युद्ध होता है और युद्ध की जगह को रण बोला जाता है और बीच में जो खाई है उसको भवर बोला जाता है। और ये किला है वो एक पहाड़ी पर है, इसलिए इस किले का नाम रणथंबोर या रणथंबोर पड़ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो रही है जल सेवा और हम यहाँ से करते हैं जलपान और थोड़ा सा प्रसाद सामग्री ग्रहण करते हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं पद्मला, इसका निर्माण भी नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों जब किले का निर्माण हो रहा था तो किले में पत्थरों की आवश्यकता थी और इसी कुंड में से पत्थरों को काट काट कर किले में लगाया गया, जिससे इस कुंड की गहराई काफ़ी ज़्यादा होती गई। और दोस्तों देखिए इसी का नाम है पद्मला। और जब अलाउद्दीन खिलजी और महाराजा अम्बेरदेव चौहान के बीच युद्ध चल रहा था तो इन्हीं के सेनानायक जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए और उन्होंने ऑरेंज फ्लैग दिखाने के बजाय ब्लैक फ्लैग दिखा दिया, जिससे यहाँ की रानी और इनके परिवार ने समझा कि महाराजा युद्ध में हारे गए, जिससे बाकी रानियों ने अग्निजोहर कर लिया और इनकी बेटी पद्मावती ने इसी कुंड में कूदकर जल जोहर कर लिया। इसी कारण इस कुंड का नाम पद्मला पड़ गया।
गाइस ये है 32 खम की छतरी, आप देख सकते हो। और हम अभी है हम्बीर गार्डन में और यहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं हम्बीर पैलेस। ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और इसके साइड में है जौहर पैलेस, जहाँ पर रानियों ने अग्नि जौहर किया था। और दोस्तों अब हम खाना खाएंगे और फिर आपको और यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे, तो देखते रहिए दोस्तों। और गाइस अब हम आ चुके हैं दरगाह पर, यहाँ पर कब्र है। इस कब्र के ही समीप में देखिए साइड में आपको एक लेक नज़र आ रही होगी और ये लेक लाल रंग की है, जो कि एल्गी एक सेवाल होता है लाल रंग का, उसके कारण इसका रंग लाल है। और जो ये लेक है वो राजा रानियों का, इसको स्विमिंग पूल भी कहा जाता है, रानियाँ यहाँ पर स्नान किया करती थी। और अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और अब हम यहाँ से नीचे की तरफ जो पार्किंग है वहाँ पर हमारी स्कूटी पार्किंग में लगी हुई है। और दोस्तों देखिए, आपको ये जूम करने पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है। और दोस्तों देखिए, ये आपको एक शिलालेख दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप पढ़ सकते हैं रणथंभौर किले के बारे में, कुछ डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और आपको देखिए साइड में ही आपको दोस्तों ये यहाँ पर पूरे किले का एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा। इस नक्शे से आप पता लगा सकते हैं कि हम किस रास्ते से आए थे और किस रास्ते से जा रहे हैं। पूरा इस किले का नक्शा आपको इस शिलालेख में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा नक्शा है।
दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये गुफा, इसका नाम है अंधेरी गुफा। इसको अंधेरी पोल भी कहा जाता है। और आपको आगे तीन रास्ते दिखाई देंगे दोस्तों। जो ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये भी किले के अंदर ही जाता है। और ये आपको सामने एक गेट दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं वेलकम गेट। क्योंकि दोस्तों, जब राजा जंग जीत कर आता था तो रानियों के द्वारा इसी गेट के ऊपर से फूलों की वर्षा की जाती थी, इसलिए इस गेट को वेलकम गेट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ये गेट, ये है किले में जाने का खुफिया रास्ता, जो फ़िलहाल बंद है। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गणेश पोल के पास। देखिए दोस्तों, इस सामने है गणेश पोल। और इसको गणेश पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि किले का और मंदिर का एक ही गेट है। और ये सामने दीवार है, इस पर आपको घोड़े के फुटप्रिंट दिखाई देंगे दोस्तों। ये दरवाज़ा है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है और मजबूत भी काफ़ी है। और ये 90 डिग्री एंगल पर ये दरवाज़ा है वो बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसको तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पर जो हम्बीर देव चौहान के घोड़े का नाम बादल है, जिसके फुटप्रिंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अरे वो सब कहाँ हैं? Cause your time is now. 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 Your time is now. Cause 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 your time is now. Your time is now.
देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, इस पोल का नाम है हाथी पोल। और क्योंकि इसके सामने जो पत्थर रखा हुआ है, इसकी आकृति हाथी के समान है, और आपको जो कटा हुआ सर आपको साइड में रखा हुआ दिखाई देगा, इस कटे हुए सर है ये सेनानायक रणमल का है, जिसने हंबीर देव चौहान जो यहाँ का राजा था उसके साथ छल किया था, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ लालच में आकर के और ऑरेंज फ्लैग दिखाने की बजाय उन्होंने काला झंडा दिखा दिया, और जिससे जब राजा इनके पीछे भागा तो रणमल को यहीं पर पकड़ लिया और इसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसको यहीं पर रखवा दिया, ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गद्दारी ना करे। और जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तो इस खोपड़ी पर दो तीन पत्थर और दो चार लात मार कर जाते हैं, ताकि साला कोई भविष्य में गद्दारी ना कर सके। और दोस्तों, दो और साथी थे, रंतीपाल और भोजराज, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गणेश पोल को बंद किया था, लेकिन हंबीर देव चौहान के घोड़े का नाम था बादल, उसने इस जो पहाड़ी आपको दिखाई थी जिस पर घोड़े के फुटप्रिंट थे, उसी पहाड़ी से छलांग लगाई थी और शंकर भगवान से आराधना करके उस पहाड़ी को मोम का बना दिया, और घोड़ा पवन वेग धारण करके उस महल के ऊपर जा पहुंचा रानियों को बचाने के लिए। लेकिन रानियां अग्नि जोहर कर चुकी थी और अब राजा के पास कुछ नहीं रह गया था, और राजा ने अंत में जंगल की ओर, एक शिव मंदिर है वहाँ पर जाकर के अपना सिर धड़ से अलग करके शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। एक बार शंकर भगवान ने उसके सिर को वापस जोड़ दिया, क्योंकि हंबीर देव चौहान शंकर भगवान के अच्छे भक्त थे, लेकिन हंबीर देव चौहान जो राजा थे वो हठी राजा थे और उसने अपने सिर को वापस नहीं लिया, और दोस्तों इसीलिए हंबीर देव चौहान को हठी राजा भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये है किले का पहला गेट, जिसको बोलते हैं नौलखा गेट, क्योंकि किले का पहला गेट है, और ये भी 90 डिग्री एंगल पर है, ताकि कोई दुश्मन जब अटैक करता है तो हाथी के द्वारा गेट को तोड़ा जाता है और हाथी अपना पूरा जोर नहीं लगा पाता है। और हम अब दोस्तों देखिए नीचे आ चुके हैं, और अब आपको एक बार और किले का फ्रंट व्यू दिखा देते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।